नॉर्थ कोरिया में किम जोंग और हिमाचल में सुक्खू, दोनों की पहचान एक जैसी है। जिस पागलपन की हद को पार करते हुए किम जोंग नॉर्थ कोरिया में अपनी सत्ता चला रहा है, ठीक वैसे ही हिमाचल में सुक्खू सरकार का शासन चल रहा है। अब तानाशाही का सबसे ताजा मामला देखिए। अपने पर्सनल सोशल मीडिया अकाउंट पर सुक्खू सरकार की गलत नीतियों पर थोड़ी बात क्या कर दी, बेचारे कर्मचारी की नौकरी से बर्खास्तगी हो गई। एचआरटीसी प्रबंधन ने अपने एक ड्राइवर को टर्मिनेट किया है। इसे लेकर निगम प्रबंधन ने अधिसूचना भी जारी की है। फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करने वाले सुक्खू जी हिमाचल में लगातार ही अभिव्यक्ति की आजादी पर वार कर रहे हैं और बेशर्म कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी हमेशा की तरह इस बार भी चुप है। अभी हाल ही में सरकार की गलत नीतियों पर खबर छापने के मामले में एक पत्रकार पर भी एफआईआर दर्ज कराई गई थी और अब एचआरटीसी के कर्मचारी को ही बर्खास्त कर दिया गया। आप इन दोनों घटनाओं को देखेंगे तो इससे साफ हो जाएगा कि सुक्खू सरकार का मतलब तानाशाह है, जो अपनी मर्जी के हिसाब से तानाशाही करता है। बात बात पर संविधान की दुहाई देने वाले बेशर्म कांग्रेसी ऐसे चुप हैं जैसे इन्हें कोई सांप सूंघ गया हो। अरे राहुल बाबा, मुंह तो खोलो, कुछ तो बोलो। आप देख रहे हैं नेशन न्यूज, देश और दुनिया की हर खबर के लिए जुड़े रहे नेशन न्यूज से। पल पल की खबर आप तक पहुंचे, नेशन न्यूज को सब्सक्राइब करना न भूलें।